कि रिफ़ंड कैसे होगा, तो यहाँ पे दिया गया है रिफ़ंड रूल, आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगर आप क्लास स्टार्ट मतलब लास्ट डे ऑफ एडमिशन जो है, सपोज़ कीजिए 15 अगस्त है लास्ट डे ऑफ एडमिशन, हम बस रैंडमली मान रहे हैं, वो फाइनल नहीं है, जो भी आता है हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अगर मान लें तो समझाने में ईजी होगा। तो 15 अगस्त मान लेते हैं, तो अगर आप 30 जुलाई तक में जाते हैं रिफ़ंड लेने, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो 100% मिल जाएगा। या फिर अगर आप 30 जुलाई के बाद और 15 से पहले करते हैं तो 90% मिल जाएगा। अगर आप 15 अगस्त के बाद और 30 अगस्त के पहले करते हैं तो 80% मिल जाएगा। और अगर आप 30 अगस्त के बाद और 15 सितंबर के पहले करते हैं तो 50% मिल जाएगा। और 15 सितंबर के बाद आपको एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा रिफंड, ये यूजीसी गाइडलाइन के तहत ही है। तो कब होता है लास्ट डेट आपका एडमिशन का, वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, दोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSC, CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, ACCC, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।